दिल्ली में कूड़े के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को खूब फटकारा था। क्या कहा था, यह सब कुछ हमने आपको कल दिखाया था। अब आज दिल्ली हाईकोर्ट में कूड़े के मुद्दे पर सुनवाई हुई। एबीपी न्यूज ने ताजा पड़ताल की, रिपोर्ट सौंपी तो हाईकोर्ट ने कई बड़ी बातें एबीपी न्यूज की तारीफ करते हुए कही हैं। पूरी खबर घंटी बजाओ की इस फॉलोअप रिपोर्ट में देख लीजिए। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। दिल्ली में कूड़ा और गंदगी से जुड़े मामले में अहम मोड़ तब आया था जब हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज पर सरकार से भी ज्यादा भरोसा किया। दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, बतौर कोर्ट कमिश्नर दिल्ली में गंदगी का पूरा सच दिखाते रहने को कहा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन जस्टिस गीता मित्तल अब नई जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। और जाते जाते एक बार फिर उन्होंने एबीपी न्यूज की पीठ थपथपाई है। दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जब इस मामले की आखिरी बार सुनवाई कर रही थी तो उन्होंने एबीपी न्यूज की खासी तारीफ की। साफ तौर पर आदेश में लिखवाया कि एबीपी न्यूज की मदद से ही हमको कूड़े की पड़ताल और कूड़े का सच जानने को मिला है, वरना एजेंसियां तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, लिहाजा अगर एबीपी न्यूज नहीं होता तो हमको दिल्ली में कूड़े की हकीकत का पता ही नहीं चलता। जस्टिस गीता मित्तल ने अपने आदेश में क्या लिखवाया है वो देखिए। एबीपी न्यूज की वजह से ही हमें दिल्ली में कूड़े की सच्ची तस्वीर देखने को मिली। अगर एबीपी न्यूज की टीम नहीं होती तो शायद कूड़े की सच्चाई और उससे लोगों को हो रही परेशानी के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। अगर एबीपी न्यूज हम तक सच्चाई नहीं पहुंचाता, तो इस मामले में अब तक जितने भी आदेश हम पारित कर पाए हैं शायद उस तरह से नहीं कर पाते। एबीपी न्यूज की टीम ने कोर्ट से बिना किसी तरह की सुविधा लिए कोर्ट की जो मदद की है उसके लिए हम पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी है। मई 2017 में घंटी बजाओ शो में ही सबसे पहले दिल्ली की हकीकत देश को हमने दिखाई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने भी उस रिपोर्ट को देखा था और संज्ञान लिया था। तब से दिल्ली सरकार नगर निगमों और संबंधित विभागों के झूठे दावों की घंटी बजती रही। हाई कोर्ट से लगातार सरकार और एजेंसियों को जनता को कूड़े से मुक्ति दिलाने के लिए सख्त दिशा निर्देश मिलते रहे। जब जब रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश हुई, कोर्ट ने भरे कोर्ट रूम में उस रिपोर्ट को चलाया और संबंधित विभागों और पक्षों को दिखाया और उनकी जवाबदेही भी तय की। दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस जो अब यहां से जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस बनकर जा रही हैं, उन्होंने एक बार फिर से एबीपी न्यूज से भी कहा है कि एबीपी न्यूज अपना काम इसी तरीके से करता रहे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाता रहे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।